आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप गुजरात के अहमदाबाद जाए तो वहाँ साइंस सेंटर जाना। साइंस सेंटर में एक्वेरियम भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्वेरियम साइंस सेंटर का। और इस एक्वेरियम में तरह तरह की न जाने कितनी मछलियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वास्तव में तारीफ काबिल है ये साइंस सेंटर का एक्वेरियम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले यहाँ गए थे और नरेंद्र मोदी के द्वारा इस एक्वेरियम का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था। यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में पर्यटक आते हैं और आकर वे यहाँ पर देखा करते हैं किस तरह से यहाँ पर मछलियां रह रही हैं, कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी प्रजातियों की मछलियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, आपको छोटी बड़ी हर तरह की मछली, झींगा मछली, स्टारफिश, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अहमदाबाद के साइंस सेंटर का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। वास्तव में बहुत ही अलौकिक छटा होती है, देखते ही बनता है अहमदाबाद का साइंस सेंटर का ये। देखिए कैसी मछली चली जा रही है फिश एक्वेरियम में। अहमदाबाद के फिश एक्वेरियम का हम आपको नजारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिश एक्वेरियम में कितनी प्रजाति की मछलियां यहाँ पर इकट्ठी दिखाई दे रही है। वास्तव में बहुत मनमोहक नजारा यहाँ होता है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं और पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखते ही बनता है किस तरह से, और एक एक फिश के बारे में, एक एक मछली के बारे में, किस प्रजाति की मछली है, बहुतायत में किस देश में पाई जाती है, किस समुद्र में पाई जाती है, मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है, ये भी यहाँ पर हर जगह अंकित आपको मिलेगा। इस तरीके के ये देखिए, हाथ रखकर यहाँ पर देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये सारे यहाँ पर लोग फिश एक्वेरियम के अंदर घूम रहे। छोटे बच्चे भी यहाँ वीडियो बनाते हुए दिख रहे होंगे। वास्तव में बच्चों के लिए ये एक अजब दुनिया, गजब दुनिया, अनोखी दुनिया, ऐसी दुनिया आपने शायद ही कभी देखी हो। बच्चे यहाँ पर, और ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इसकी सफाई के लिए। ये सफाई जब भी होती है तो इसकी सफाई के लिए यहाँ पर गोताखोर पोशाक में, गोताखोरों की पोशाक में लोग उतरते हैं, कर्मचारी उतरते हैं। और यहाँ ये देखिए, ये भी सील मछली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सील मछली जैसे, माफ कीजिएगा, सील मछली नहीं, सील मछली के जैसे कुछ पानी में रहने वाले चूहे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इनकी पानी की और कांच की सफाई ये देखिए यहाँ पर कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अहमदाबाद की रिपोर्ट। गंदगी, कचरा यहाँ से निकाला जा रहा है। वास्तव में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, इस तरीके के दृश्य अमूमन आपको देखने को नहीं मिलते। देखिए, दर्शकों को, जो पर्यटक आते हैं, उन्हें कांच में बराबर देखते बने, इसके लिए सारा सब कुछ वहां से हटाया जाता है, कचरा, और कांच की पारदर्शिता पूरी तरह रखी जाती है, पूरी तरह रखने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। समाचार एजेंसी मीडिया की साई न्यूज के लिए ये अहमदाबाद ब्यूरो की रिपोर्ट। कितने सारे काले और सफेद मूषक आपको दिखाई दे रहे होंगे, चूहे यहाँ पर कितने सारे दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे चूहे पानी के अंदर ही रहते हैं। वास्तव में एक ये कहा जाए कि एक अलग तरह का नजारा आपको देखने को मिलता है। सर के ऊपर भी आपके पानी यहाँ पर दिखाई देता है। आप जहाँ सुरंग नुमा यहाँ पर जो बनाया गया है, सुरंग के अंदर जाते हैं तो आपको ये देखिए पानी के पीछे भी दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। ये कितना, किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, किस तरह से इसे बनाया गया है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। गुजरात के अहमदाबाद का ये हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। और यहाँ जो भी आपको ये स्टैंड दिख रहे होंगे, इन स्टैंड्स पर लिखा हुआ है कि किस प्रजाति की मछलियां हैं, किस देश में बहुतायत में पाई जाती हैं, खारे पानी की मछली है या मीठे पानी की मछली है। और इस सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि ये
किस खानदान की मछलियां, सब कुछ यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अहमदाबाद के ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, अहमदाबाद के साइंस सेंटर में हम बाहर से आपको नजारा दिखा रहे हैं, कितना सुंदर नजारा है। बहुत कम शुल्क में आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ अंदर जाकर आपके द्वारा यहाँ मछलियों को, विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को आपको आपके द्वारा देखा जा सकता है। कई तरह की मछलियां, कई प्रजाति की मछलियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और बहुत सारी आकृतियां, कलाकृतियां भी आपको बाहर दिखाई देंगी। ये बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं नजारा साइंस सेंटर अहमदाबाद का। आप अगर अहमदाबाद जाएं तो इसे यहाँ जाना ना भूलें। लोग यहाँ जाते हैं और जाकर यहाँ पर ये सभी लोग देखते हैं किस तरह से यहाँ पर मछलियां हैं और इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर मछलियां दिखाई देती हैं और रंग बिरंगी अनेक प्रजातियों की मछलियां। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अहमदाबाद ब्यूरो की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नई जानकारी लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद। Thank you.